नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहारी न्यूज में। आगे बढ़ने से पहले युवाओं के लिए खुशखबरी, हम हर रोज टॉप 5 रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आते हैं। इसको सुनने के लिए हमारे नए YouTube चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे द्वारा जारी किए गए किसी भी अपडेट तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे GOVPVT YouTube चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है सरकार, उक्त बातें बिहार कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सौंपने पहुंचे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कही। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में किसानों को पंचायतों में ही कृषि संबंधित सभी कामों को पूरा करने के लिए पंचायत कार्यालय खोला जा रहा है, जिसके लिए ही उन्होंने 40 कार्यालय भवन का उद्घाटन भी किया। IIT पटना ने टेक्निकल और स्किल्ड स्टाफ के लिए निकाली रिक्तियां। IIT पटना ने टेक्निकल और स्किल्ड स्टाफ के लिए आवेदनों की मांग की है। इन दोनों पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ITI में भौतिक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा या मास्टर्स डिग्री का होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 मार्च तक www.iitp.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं और साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। गया के जामा मस्जिद में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। दिल्ली के जामा मस्जिद की तरह ही गया में भी इसी नाम की एक प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। ये बिहार की सबसे बड़ी मस्जिद है। तकरीबन 200 साल पुरानी इस मस्जिद में हजारों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं। मुजफ्फरपुर के एक शाही परिवार ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। शबीना और तबलीग यहाँ मनाया जाने वाला बेहद प्रसिद्ध त्यौहार है। राजद ने तेज प्रताप यादव के स्लोगन को हटा, जारी किया अपना नया स्लोगन। इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत सभी पार्टियां काफी ज्यादा सक्रिय हैं, जिसके तहत आए दिन ये सभी पार्टियां अपना अपना नया स्लोगन जारी करती रहती है। इसी क्रम में राजद ने भी तेज प्रताप यादव के स्लोगन तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को हटाते हुए बिहार को उठाना होगा तेजस्वी बनाना होगा जारी किया है। मिडिल स्कूल में इंस्ट्रक्टर पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगारों को खुश करने के लिए मुहिम में जुट गए हैं, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में सभी 28,648 मिडिल स्कूल में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली करने का ऐलान किया है, जिसके लिए जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद संयुक्त रूप से योग्यता परीक्षा का आयोजन करेगा। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे सत्यपाल चंद्रा की। सत्यपाल चंद्रा का जन्म बिहार के गया जिले के दूरस्थ गांव मल्हारी में हुआ था। सत्यपाल चंद्रा एक भारतीय लेखक और उद्यमी हैं। वह मार्कटैप टेक्नोलॉजी और आउटलैंडर्स मीडिया के संस्थापक है। इतना ही नहीं, उन्होंने विभिन्न विद्याओं के उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें से द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स, गोल्डन एंगल, माई लाइफ इज फॉर यू जैसी किताबों का नाम शामिल है। शिक्षा विभाग के 10 अधिकारियों को किया गया ट्रांसफर। शिक्षा विभाग ने हाल ही में अधिसूचना जारी करते हुए विभाग के 10 अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाने का ऐलान किया है। ये सभी ऐसे अधिकारी हैं जो काफी लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी पोस्टिंग अब शिक्षा विभाग ने नई जगह पर कर दी है। 23 फरवरी को भारत बंद का हुआ ऐलान। सभी आम नागरिक कृपया ध्यान दें, रविवार को तो वैसे भी छुट्टी ही होती है, मगर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तरफ से बंद का आह्वान करके आम नागरिकों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत CAA NRC के खिलाफ भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और अन्य संगठन मिलकर 23 को भारत बंद करने वाले हैं, जिसको बिहार की राजनीतिक पार्टियां जैसे कि रालोसपा और VIP समर्थन दे रही है। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय बनकर हुआ तैयार। मधेपुरा वासियों के लिए खुशखबरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जिसके बाद अब इस महाविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च को करेंगे। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नवनिर्मित अस्पताल को बनाने का ऐलान साल 2006 में ही किया था। बिहार के 4 IAS अधिकारी का हुआ तबादला, जिसके तहत सचिव संजय कुमार को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का प्रशासक का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं श्यामल किशोर पाठक को भू अर्जन का निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भोजपुर के DDC अंशुल अग्रवाल को स्थानांतरित करते हुए नालंदा का नगर आयुक्त बनाया गया, जबकि बेगूसराय की DDC ऋचा पांडे को पटना का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। महाशिवरात्रि पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने दी बधाई। कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में भीड़ देखने को मिली। राजनीतिक गलियारों में भी शिवरात्रि की गुंज सुनने को मिली। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने शिवरात्रि की बधाई दी थी। प्रशांत किशोर के बाद बिहार की कार्यक्रम से पहले दिन जुड़े लाखों कार्यकर्ता। बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए प्रशांत किशोर ने जदयू से निकाले जाने के बाद उनके ही खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने बाद बिहार की कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहीं उसके शुरुआती दिन ही प्रशांत किशोर को लोगों के काफी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले, जिसके तहत पहले ही दिन उनके इस कार्यक्रम से 3 लाख से ज्यादा लोग जुड़े।
पटना झाझा से गुजरने वाली कई ट्रेनें हुई कैंसिल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि उल स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग के काम के कारण ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने पटना से होकर गुजरने वाली एक साथ कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं, कई ट्रेनों को अब बदले हुए रूट से चलाने का ऐलान भी किया गया है, जिसके तहत पटना से झाझा तक ट्रेनों के परिचालन पर 2 अप्रैल तक असर देखने को मिलेगा। नियोजित शिक्षकों के साथ मध्यस्थता करने को सरकार हुई तैयार। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों के साथ अब सरकार मध्यस्थता का रास्ता अपनाने जा रही है, जिसके तहत बिहार सरकार सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने के लिए तैयार हो गई है और साथ ही सेवा शर्त देने के लिए भी सरकार ने हामी भर दी है। हालांकि सरकार ने समान वेतन की मांग पर बात करने से साफ इनकार कर दिया है। महिला अंडर 19 में बिहार ने चंडीगढ़ को 76 रनों से हराया। आंध्र प्रदेश में बीते दिन खेले गए मैच में यशिता सिंह को 54 रनों की अर्धशतकीय पारी और तेजस्वी की गेंदबाजी ने बिहार की महिला अंडर 19 टीम ने चंडीगढ़ को 76 रनों से हराकर पूरे 4 अंक अर्जित किए हैं। आपको बता दें, खेले गए मैच में बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 157 रन बनाए थे, जिसके जवाब में चंडीगढ़ की टीम मात्र 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचे मांझी कुशवाहा और मुकेश सैनी। प्रशांत किशोर के पटना आते ही गरमाई सियासत के बाद अब सभी विपक्षी दल प्रशांत किशोर की नब्ज टटोलने का काम करने लगे हैं, जिसके तहत विपक्षी दल के 3 प्रमुख नेता जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सैनी प्रशांत किशोर से होटल में मिलने पहुंचे थे, जहां इन सभी नेताओं के बीच काफी लंबे समय तक बातचीत भी चली। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा से पहले चिराग ने कई नेताओं को दिलाई सदस्यता। इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने बीते शुक्रवार को अपनी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा का आह्वान कर दिया है। वहीं अपनी यात्रा से पहले उन्होंने कई सारे नेताओं को पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई है। हाजीपुर वैशाली रेलखंड पर 31 मार्च से ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू। 148 किलोमीटर तक फैले हाजीपुर वैशाली सुगौली नए रेलखंड पर जोर शोर से काम चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब जल्दी हाजीपुर वैशाली के बीच करीब 41 किलोमीटर लंबे रेल लाइन के साथ साथ स्टेशन बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो 31 मार्च से यहां ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत भी हो जाएगी। चिराग की यात्रा पर कांग्रेस ने कसा तंज। चिराग पासवान द्वारा बीते शुक्रवार को निकाली गई बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा है, जिसके तहत कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने कहा है कि चिराग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही यात्रा पर निकलते, क्योंकि रामविलास पासवान के घर में ही चिराग है, वरना तो पूरा बिहार अंधेरे में है। मुकेश सैनी ने अपने बयान से नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी एक भी मौका नहीं छोड़ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किरकिरी करने का। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के खोखले दावों को हम लोगों के सामने जरूर लाएंगे, लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। टेस्ट सीरीज के पहले ही दिन का खेल हुआ खत्म। टेस्ट सीरीज के पहले दिन का खेल हुआ खत्म। वनडे सीरीज हारने के बाद न्यूजीलैंड टीम के सामने उतरी भारतीय टीम का पहले दिन का खेल कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ ये पता भी नहीं चला, जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने फर्स्ट हाफ में भारतीय टीम के 3 दिग्गज खिलाड़ियों को 40 रन का लक्ष्य पूरा करते ही पवेलियन में वापस भेज दिया। वहीं पहले ही दिन का खेल खत्म होने से भारत किसी तरह 112 रन का लक्ष्य प्राप्त कर पाया। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की गेंदबाजी की बात करें तो टीम से पहली बार मैदान में उतर रहे काइल जैमिसन भारतीय टीम पर काफी हावी दिखे। झूलन गोस्वामी की बायोपिक करेंगे अनुष्का। फिल्म जीरो के रिलीज होने के बाद से अनुष्का शर्मा पर्दे से थोड़ी दूर चल रही थी, वहीं अब अनुष्का ने झूलन गोस्वामी की बायोपिक साइन की है, जिसकी घोषणा अनुष्का शर्मा जल्द ही करने वाली है। सोनी पिक्चर्स की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म में से एक अनुष्का शर्मा स्टारर झूलन गोस्वामी की बायोपिक है। आपको बता दें कि अनुष्का को पिछले महीने ही झूलन के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन में देखा गया था। उन्होंने झूलन के साथ फिल्म के अनाउंसमेंट का वीडियो शूट भी किया था। अब चले बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर अब लगभग खत्म हो रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी महसूस होगी, साथ ही कुछ जगहों पर बारिश होने के भी आसार हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है, मगर हवा के कारण ठंड का असर अब भी देखने को मिल सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,163 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,885 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 52,300 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.47 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.17 रुपए प्रति लीटर था। गूगल ने रिमूव किया लगभग 600 एंड्रॉइड ऐप्स। गूगल प्ले स्टोर ने हाल ही में लगभग 600 ऐसे एंड्रॉइड ऐप्स को रिमूव कर दिया है जो आमतौर पर अप्रिय विज्ञापनों को दिखाते हैं। गूगल ने इसकी जानकारी अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए दी है। इसके साथ ही गूगल ने अपने पोस्ट में यह भी साफ कहा है कि इन सभी ऐप्स को विज्ञापनों और पॉलिसी के चलते हटाया गया है जो लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें विकास कुमार, दरोगा कुमार, सनी यादव, सुनील कुमार, नरेन, पंचम कुमार, सोनू कुमार, कार्तिक यादव, इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के नाम अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बताते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार और शाहीन बाग के लोग किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।